बात करने वाले हैं फूरियर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की। आज हम पढ़ेंगे फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। कोई इवन फंक्शन या कोई ऑड फंक्शन है तो हम उसके लिए फूरियर सीरीज कैसे निकालते हैं, इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर पुरानी वीडियोस देखना हो तो आई टी पे दिख रहा होगा, वहां से तुम देख सकते हो। अभी हमने फूरियर सीरीज का पहला पार्ट पढ़ा था कि बेसिक फूरियर सीरीज क्या होती है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो क्लियर है इवन ऑड फंक्शन क्या होता है? देखो एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x है तो फंक्शन इवन होगा, और अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ f x है तो फंक्शन ऑड होगा। इसका मतलब क्या, जैसे हमें दे दिया एक फंक्शन साइन ऑफ x, ठीक है, f x इक्वल टू ये, तो f ऑफ माइनस x पुट करेंगे, इसमें x की जगह माइनस x पुट कर दूं, साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ माइनस x का मतलब माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स तो एफ एक्स की वैल्यू थी, तो यहाँ पे अपन ने एफ एक्स लिख दिया। ये फंक्शन फाइनली क्या आ रहा है, ये फंक्शन आ रहा है ऑड फंक्शन। क्लियर है, व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन आ गया। ऐसे चेक करते हैं अपन कोई फंक्शन ऑड है या इवन है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अगर हमें किसी एफ एक्स की फूरियर सीरीज निकालनी है किसी इंटरवल माइनस ए टू ए में, तो उसके लिए फूरियर सीरीज क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये तो मैंने पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, ये रूलर्स फॉर्मूले में पढ़ा था अपन, ठीक है। तो ए नॉट क्या हो जाएगा इसमें वन अपॉन पाई माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन क्या हो जाएगा वन अपॉन पाई माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन क्या हो जाएगा वन अपॉन पाई माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये तो हमें पता होगा। अब अगर हम इवन ऑड फंक्शन की बात करेंगे तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, तुमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये देखा देखा लग रहा है क्या, माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब होता था तो अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, और अगर फंक्शन इवन है तो इसकी वैल्यू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाती है। ठीक है, याद है कि नहीं? अरे कोई नहीं, मैं याद दिला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में 12th में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका यूज होगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जीरो हो जाएगा तो कुछ पार्ट तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, सिर्फ हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए क्या वैल्यूज आएंगे अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स इवन है, अगर एफ ऑफ एक्स इवन है, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी टू बाय पाई जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ आए नहीं कैसे लिखा, क्योंकि हमारी लिमिट माइनस ए टू ए थी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाता है जब हमारा फंक्शन इवन होता है ना। तो हमारा फंक्शन इवन था तो टू बाय पाई जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। क्लियर है, अपन ए एन की बात कर लेते हैं। ए एन क्या हो जाएगा, देखो ए एन है एफ एक्स कॉस एन एक्स, एफ एक्स क्या है इवन, तो अपन ले लेते हैं कॉस को देख चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ वाई ले लो फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ वाई है कॉस ऑफ वाई, ठीक है, अगर एफ ऑफ वाई कॉस ऑफ वाई है तो एफ ऑफ माइनस वाई क्या होगा cos of minus y, ठीक है, cos of minus theta क्या होता है cos theta, तो हो जाएगा cos of y, तो f of minus y कितना आ गया f of y, यही था ना अपना f of y cos y था, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने f of y की वैल्यू। क्लियर है ना, अरे f of y cos y है, f of minus y cos of minus y होगा, cos of minus theta cos theta होता है, तो cos y आ गया वापस से, और cos y f of y की वैल्यू दी थी, f of minus y f of y के बराबर आ गया, मतलब cos y is a even function। तो याद रखना cos theta एक even function होता है। ठीक है, तो हमारा cos theta इवन है और fx भी इवन है, तो इवन इनटू इवन इवन ही होगा, तो हमारा an हो जाएगा 2 by pi 0 to a f of x cos of nx dx। क्लियर है, ऐसे अपन साइन के लिए चेक कर लेते हैं, तो f of y अगर मेरा sin y है तो f of minus y कितना हो जाएगा sin of minus y, तो f of minus y कितना हो जाएगा minus sin y, क्योंकि sin of minus theta minus sin theta होता है, sin y वैल्यू है f of y की, तो ये हो गया ऑड फंक्शन। तो साइन थीटा होता है ऑड फंक्शन और कॉस थीटा होता है इवन फंक्शन। अब कुछ भी आ जाए, nx आ जाए या कुछ आ जाए, बट वो ऑड इवन फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, तो an ये हो गया, अब bn की बात कर लेते हैं। bn क्या होता है अपना जनरली 1 / π - a2 f of x sin of nx, ये होता है bn। sin ऑड है, fx इवन है, इवन इनटू ऑड ऑड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, इवन इनटू ऑड ऑड कैसे होगा। अगर नहीं समझ आ रहा ना, तुम लोग क्या करना, f of x sin of x ऐसा सपोज करना कि लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड साइन ऑफ कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड साइन ऑफ एन जेड। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये इवन है ऑड है, तो इससे क्लियर हो जाएगा पूरा फंक्शन इवन है ऑड है। बाकी मैं जैसे बता रहा हूँ वो कर सकते हो, इवन इनटू ऑड ऑड होता है, इवन इनटू इवन इवन होता है, ऑड इनटू ऑड इवन होता है। ठीक है, बाकी से चेक करोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, मेरे हिसाब से चेक करना चाहिए होता है।
ठीक है, बी एन की वैल्यू देखते हैं, एफ एक्स साइन एन एक्स है, ये और फंक्शन हो गया, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, माइनस ए टू ए पूरा और फंक्शन है अगर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। अगर बी एन जीरो हो गया तो फिर हमारा फंक्शन कितना सा बचेगा, हमारा फंक्शन सिर्फ कितना ही बचेगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमारा फाइनल फंक्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ए नॉट बाय टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन एक्स। ठीक है, ये आ गया अपना व्हेन फंक्शन इज इवन, जब फंक्शन इवन होता है तो हमारा जो फोरियर सीरीज का फंक्शन आता है वो होता है ए नॉट बाय टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। क्लियर है, अपन बात कर लेते और फंक्शन के लिए, अब तो फटाफट हो जाएगा। देखो और फंक्शन है मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, मतलब एफ ऑफ एक्स ऑड है अपना, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो फर्स्ट वाले में जीरो हो जाएगा ए नॉट, माइनस ए टू ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाता है, तो फर्स्ट तो ए नॉट हो गया अपना जीरो। सेकंड वाले में एफ ऑफ एक्स ऑड है और कॉस एक्स इवन होता है, तो कॉस एन एक्स है कॉस एक्स इवन होता है, तो इवन इंटू ऑड ऑड होगा, तो ये हो जाएगा वापस से जीरो, तो ए नॉट बी ए एन बी क्या हो जाएगा जीरो। अगर नहीं समझ आ रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं, तो तुम इस पूरे को एक फंक्शन मांग के चेक कर सकते हो, बाकी एक इवन है और एक ऑड है तो ऑड इनटू इवन ऑड होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बीएन की बात कर लेते हैं, बीएन में एफ एक्स है अपना ऑड और साइन ऑफ एन एक्स भी अपना ऑड, दोनों फंक्शन ऑड है, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, तो बीएन अपना इवन फंक्शन होगा, बीएन की वैल्यू आ जाएगी बीएन इक्वल टू टू बाय पाई जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। क्लियर है, बस तो अपना फंक्शन निकाल लेंगे अपन, इसमें क्या हो जाएगा फंक्शन, इसमें फंक्शन सिंपली ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो हमारे पास फोरियर सीरीज के लिए फंक्शन से कितना बचेगा, बी एन साइन एन एक्स समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, ये आएगा जब फंक्शन ऑड होगा। क्लियर हुआ, तो मैं इवन ऑड फंक्शन में पूरे फॉर्मूले ड्राइव करके बता रहा हूँ कि वो कैसे आते हैं, और मेरे हिसाब से क्लियरिटी आ गई होगी, है ना, आ गई ना, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को और अच्छे से समझ आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, चलो देख, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, देखो हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है जिसका इंटरवल माइनस फाइव टू पाई है, ऑल्सो फाइंड हमें इसकी वैल्यू भी निकाली, वो भी निकालेंगे अपन। देखो अब इसमें अपने इंटरवल माइनस फाइव टू पाई दिया है, और एक और चीज मेनली जो इवन ऑड फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें इंटरवल माइनस फाइव टू पाई इवन होता है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हो माइनस फाइव टू पाई, बट मैं रिकमेंड करूंगा तुम जनरल फॉर्मूला याद करके रखो माइनस ए टू ए, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर अपने को फंक्शन माइनस टू 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 आ गया फिर क्या करेंगे, इसलिए अपन जनरल फॉर्मूला याद करके उससे सब आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो कभी भी हमें ऐसा इंटरवल मिले माइनस फाइव टू पाई या माइनस ए टू ए टाइप का, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये चेक करना है हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या है, इवन है या ऑड है। ऐसे स्पेसिफाई हमें नहीं करेंगे क्वेश्चन में कि ये ऑड फंक्शन है आप इसके लिए सॉल्यूशन निकालें, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने को देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑड है इवन है, उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसको देख लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, फंक्शन तो इवन हो गया। अगर फंक्शन इवन है तो अपने को याद है वैल्यूज, ए नॉट की वैल्यू क्या होती थी, ए नॉट की वैल्यू होती थी टू अपॉन पाई जीरो टू ए, अगर ए की जगह अपने को यहाँ पाई दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंपल रख देते यहाँ पे वैल्यू, तो हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स क्यूब बाई थ्री, अगर तुमने बेसिक वाली वीडियो देख ली होगी तो मेरे हिसाब से तुम्हें आने लगा होगा इतना बेसिक इंटीग्रेशन, तो ठीक है जीरो टू पाई, अगर देख ली हो तो अभी भी आई टाइप पे दिख रहे होगा इंटीग्रेशन कर लो, क्लियर हर चैप्टर में तुम्हें मिलेगी और तुम परेशान होगे, मेरे हिसाब से क्लियर कर लो, उसके बाद भी तुम्हें लगे कि भैया मेरे से इंटीग्रेशन स्टिल नहीं बन रही है तो मेरे को बोलना, मैं और कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर डीएम कर दूंगा टू अपॉन पाई हो गया, ठीक है उसमें लिमिट पुट कर देते हैं टू बाई पाई पाई क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो फाइनली आ रहा है अपना टू बाई थ्री पाई स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, ए एन की वैल्यू निकाल देते हैं, ए एन इक्वल टू होगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, सिंपल है रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, अरे ये फॉर्मूला कहाँ से है याद है ना, इवन ऑड फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा के से चीज भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, टू अपॉन पाई चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन वैसा का वैसा कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब अपन इसको देखो यहाँ माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करते जाना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ओवर 2x और sin ऑफ nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर कैसे आया, n पहले से था और एक sin ऑफ nx का करा तो उससे आ गया, प्लस 2x, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आ जाएगा माइनस sin ऑफ nx अपॉन n क्यूब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये हो गया 0 से पाई, क्लियर है। तो ये अपना इंटीग्रेशन आया, आप सिंपल लिमिट पुट कर देते हैं। देखो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाय पाई, थोड़ा साइन का लोचा सही कर दे, यहाँ माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओवरऑल, ठीक है, मैंने अभी चेंज करा है, समझ आया ना। चल अब जब पाई रखेंगे अपन यहाँ पे तो यहाँ पे पाई स्क्वायर होगा ना साइन एन पाई होगा, साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला पार्ट तो हो गया 0 प्लस, यहाँ पाई रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई cos n पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1/2 n, तो ये हो गया माइनस 1/2 n अपॉन n स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज याद कर लो, cos n पाई sin n पाई दो ही तो है यार इन सब की, ठीक है, माइनस 2 sin में अपन जब रखेंगे पाई तो sin n पाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो सिंपली यहां पे 0 हो जाएगा माइनस, जब मैं x को 0 रखूंगा, अपन लिमिट अपने पुट कर दिए, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, इधर पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा और साइन 0 0 होता है तो ये पूरा पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 0 ही बचता है, तो ये बचा अपना 4 पाई से पाई कट जाएगा माइनस 1/2 n अपॉन n स्क्वायर, क्लियर है ना। a नॉट आ गया, an आ गया, bn निकाल लेते हैं, बट अगर तुम्हें याद हो तो bn फॉर इवन फंक्शन 0 होता था, तो देखो bn वाली मेहनत बच गई अपनी, तो ऐसे थोड़ा अपनी मेहनत बच सकती है। फाइनली फंक्शन निकाल के बता देता हूं, फाइनली फंक्शन आ जाएगा अपना ये लिख लेते हैं f of x equals to a naught by 2 मतलब 2 by 3 pi square into 1 by 2 a naught ये है और multiply by 1 by 2 कर दिया plus summation n equals to 1 to infinity क्या होगा an cos nx होता था अगर even function है तो an की value रख दो 4 into minus 1 raised to n upon n square cos of nx ये अपना आ गया final Fourier series, clear है तुम्हें, इजी था ना, सिंपल ए नॉट एन निकाला बस पुट कर दिया, क्लियर हुआ ना, बहुत स्लो समझा रहा है मैंने, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब अपने को फंक्शन निकालना है वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल एंड एंड पार्ट में मैंने बताया था कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, देखा करो क्वेश्चन में हम क्या पुट करें, जनरली x = 0 पाई पाई बाय 2 टाइप की चीज पुट करके आंसर आ जाता है, ठीक है, तो इसमें अपन क्या पुट करेंगे वो देखते हैं, ये पूरा पार्ट मिटा रहा हूं। तो अगर मैं x equals to 0 रखूं, पहले तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, fx की वैल्यू x square है तो x square equals to 2 by 3 में इसे pi square by 3 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा plus summation n equals to 1 to infinity a n की वैल्यू है 4 minus 1 raised to n upon n square cos of nx, अगर मैं इसमें x equals to 0 रख दूं, x equals to 0 रखूंगा तो 0 is equals to pi square by 3 plus summation n equals to 1 to infinity 4 minus 1 raised to n upon n square बचेगा, बस 0 की वैल्यू बन होती है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, जब मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया n जब 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, n जब 2 पुट करूंगा तो प्लस 1 इनटू 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, जब मैं 3 पुट करूंगा तो माइनस 4 इनटू 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। अपने को आंसर में क्या लेके आना है, 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर आना चाहिए, यहां प्लस में आ रहा है तो ये अल्टरनेट चलेगा, तो मैं पूरे में से मैं माइनस 4 कॉमन लूं, अगर पूरे में से माइनस 4 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां माइनस 4 कॉमन लिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा पाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर सो ऑन, तो अपनी इसकी वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 12, क्लियर हुआ कैसे किया है ना, इजी सिंपल, अपन ने यहां पे x = 0 पुट किया फिर पाई स्क्वायर बाय 3 को इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 आ गया, यहां पे n की वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो माइनस 1 बचेगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, यहां पे 1 आ गया, फिर n की वैल्यू 3 रखी तो यहां पे माइनस आ गया 4 बाय 3 स्क्वायर है, ऐसे सो ऑन करते जाएंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है, जब 1 है तो माइनस फिर 2 है तो प्लस फिर 3 है तो माइनस फिर 4 है तो प्लस एंड सो ऑन,
अगर मैं इस पूरे में से माइनस फोर कॉमन लू, माइनस फोर क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टू वाला नेगेटिव चाहिए था, वन वाला नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही माइनस फोर कॉमन लूंगा तो अभी तक तो वन नेगेटिव था बट अब टू वाला नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस फोर कॉमन लिया, वन अपॉन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर सो ऑन हो गया, माइनस वन से माइनस से माइनस कट गया, पाई स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू फोर आया, तो पाई फोर बाय ट्रांसपोज किया तो पाई स्क्वायर बाय ट्वेल्व आंसर आ गया। क्लियर है ना इजी क्वेश्चंस? तो इसमें भी मत डरा करो, ये बहुत इजी होते हैं। सर मैंने तीन चीजें बताई हैं, जीरो पाई पाई बाय टू, अगर इनमें भी नहीं हो रहा हो तो और कुछ ट्राई कर सकते हो, तो बाकी मोस्टली में हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, और हमें इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई। जब भी हमें ऐसा इंटरवल दे माइनस ए टू ए टाइप का, तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, इसे मैं इवन और फंक्शन से कर सकता हूँ। ठीक है, या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अपन चेक करेंगे आपकी इवन है या ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दो भाई साहब, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वापस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन आ गया, ये ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अब ऑड फंक्शन के फॉर्मूले लिख देते हैं। ए नॉट ऑड फंक्शन में क्या होता था, जीरो। ए एन ऑड फंक्शन में क्या होता था, जीरो। ठीक है, बी एन निकालना है सर, तो हमारा बी एन क्या होगा, बी एन इक्वल टू टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स कॉस पुट करेंगे, एक्स कॉस एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत ईजी है, वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स इधर लिख दो टू साइन ऑफ एन एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, डी एक्स टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला किसी को याद है क्या, सोचो। चलो मैं ये बता देता हूँ, टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे वही लगाने हैं अपन, तो मैं यहाँ पे वो लगाऊंगा, इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह अच्छी मिलेगी अपने को, इधर लिख देता हूँ, तो वन अपॉन पाई जीरो से पाई एक्स इन ब्रैकेट आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इस एक्स का आधा मल्टीप्लाई कर दो और दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जाएगा वन अपॉन पाई जीरो टू पाई एक्स साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स, बस हो गया डी एक्स। अच्छे से समझ आए, अब जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन पाई एक्स साइन एन प्लस वन एक्स। इसका इंटीग्रेशन दूसरे वाले दोनों का बाय पार्ट से भी कर सकते हो, सिंपल चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। एक्स वैसा का वैसा साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, माइनस अल्टरनेट चलता है, प्लस यहाँ तो माइनस आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन डॉट कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया ना कैसे, और ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाइड में, ये एक्स इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड में एंगल में। ठीक है, कैसे हुआ है, कॉस ऑफ उसका होता है साइन और माइनस वैसा का वैसा, और एन प्लस वन पहले से तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, सेम चीज वहां होगी, बस एन प्लस वन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ, तो तो अपन जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, ये चीज क्लियर हुई, सिंपल इसकी लिमिट क्या होगी लिख देते हैं जीरो टू फाइव। अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, ये समझ आता है कैसे हुआ। ठीक है, लिमिट पुट करने से पहले साइन देख लेते हैं अपन, यहाँ माइनस है माइनस है पूरा हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है पूरा हो जाएगा माइनस, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन से चेंज कर लूंगा तो ज्यादा बेटर होता है मेरे। चलो तो अब लिमिट पुट कर देते होगा वन अपॉन पाई, सिंपल लिमिट पुट कर देगा, जब मैं पाई पुट करूंगा इसमें हो जाएगा पाई माइनस कॉस ऑफ एन प्लस वन पाई, तो ये सिंपल आ जाएगा पाई। अब जब पाई मैं इसमें पुट करूंगा तो साइन में कोई भी पाई पुट कर दो तो जीरो हो जाएगा,
इसमें पुट करेंगे तो ये बचेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस वन रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, सिंपल है ठीक है। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो साइन ऑफ एन माइनस वन एक्स है तो साइन ऑफ एन माइनस वन पाई होगा तो पाई में जीरो हो जाएगा साइन, ठीक है। तो पाई में अपर लिमिट पुट करा जीरो आ गया, जब जीरो पुट करेंगे तो x यहाँ पे जीरो है पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, यहाँ x की जगह जीरो पुट करेंगे तो कॉस वाला पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि x मल्टीप्लाइड में साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, तो जीरो में पूरा पार्ट जीरो हो रहा है, तो हमारी सिर्फ इतनी बचेगी ठीक है। इसको जब मैं अच्छे से सॉल्व करूंगा तो अपन थोड़ा मिटाई देते हैं, तो मिटाएंगे इसे प्रॉपरली लिख देते तो bn की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन पाई इन ब्रैकेट माइनस पाई, पूरे में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर माइनस पाई कॉमन ले लेता हूँ ठीक है। अंदर बचेगा माइनस वन रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस माइनस वन रेज टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। ये पाई से पाई कट जाएगा तो बचा माइनस बाहर। अब अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है माइनस वन रेज टू एन प्लस वन माइनस वन रेज टू एन माइनस वन, अगर मैं इसमें से माइनस वन रेज टू एन कॉमन लियो तो क्या बचेगा अंदर, अगर मैं माइनस वन रेज टू एन कॉमन ले लेता हूँ उसमें से मल्टीप्लाई बाय माइनस वन रेज टू एन, तो माइनस वन रेज टू एन प्लस वन था तो एक माइनस वन अंदर बचेगा तो याद रहेगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, जब मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो माइनस वन रेज टू माइनस वन मतलब एक माइनस वन यहाँ भी बच रहा है, अरे यहाँ से कॉमन लेंगे ना अपन तो माइनस वन रेज टू माइनस वन बचेगा अंदर, माइनस वन रेज टू माइनस वन मतलब वन अपॉन माइनस वन, तो माइनस वन ये बात देखिए ठीक है, तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा माइनस वन रेज टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, वो भी अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आने लगेगा फास्ट करने लगोगे ठीक। तो अपन हम होमवर्क लिख लेते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसे शेयर भी करना अगर कंटेंट अच्छा लगा ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कुछ इंप्रूवमेंट हो तो या फिर तुम्हें कुछ लगे कि ये कर सकते हो भैया वो कर सकते जो भी हो बताना ठीक है। चलो होमवर्क लिखो, ये होमवर्क है, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना, खुद से करना, हो जाए बहुत इजी क्वेश्चन है और इनके सॉल्यूशन तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं थोड़ा सा फायदा ही है ठीक है। तो इनको करना, नोट्स से आंसर चेक कर लेना, नहीं बने तो नोट्स से सॉल्यूशन देखना, स्टिल अगर तुमसे नहीं बने तो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे तुम डीएम कर सकते हो, ट्राई माय बेस्ट कि जितनी जल्दी हो तो तुम्हें रिप्लाई कर लो। तो आज के लिए इतना ही, अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।